बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, बड़ा फैसला लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नया सरप्राइज अब क्या होगा, आगे चलकर आप साथ वीडियो में तमाम तर खबरें, सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबरें हैं, इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उससे क्या बड़ी खबरें हैं, इमरान खान साहब को आज एक खुशखबरी भी मिली है, और दूसरा तोशाना का जो केस चल रहा है उसकी अब तक की क्या खबरें हैं वो आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम इमरान खान साहब की जो सजा मौत ली है उसकी जो केस की समाअत है वो शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान साहब को जिस तरह सजा सुनाई गई जज महमूद रावर की जानब से, तो उस सजा को सुनाने में कई गलतियां थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जानब से हमें हुक्म मिल गया। लेकिन हमें ये हुक्म मिला है कि इमरान खान साहब की सजा मौतली की अपील सुनी जाए, तो हम आज उस केस की समाअत कर रहे हैं। तो बाजार ये लगता है चीफ जस्टिस जो आमर फारूक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके इन रिमार्क्स की जानब से ऐसा महसूस होता है कि आज इमरान खान साहब की जो अपील है उसके ऊपर ये समाअत होगी। आज कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से बड़ा फैसला आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इमरान साहब के लिए खुशखबरी है। वो आगे चलकर आप साथ डिस्कस करता हूं कि किस केस में इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब जो हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 बजे के करीब बुलाया हुआ था, तो वो इस टाइम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही ये केस की समाअत चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो रिमार्क्स दिए थे और जो कुछ उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुदाखलत नहीं करते, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे, और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब को बाकायदा तौर पर सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला आज मुतवक्को है, और हो सकता है कि कल इमरान साहब को इस केस में रिहाई मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए थे और जिस तरह जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कह रहे हैं कि मातहत अदालत से गलती हुई लेकिन हम उसको गलती सुधारने का मौका फराहम करना चाहते हैं, तो इमरान साहब की ये जो तोशाहाना का केस है इमरान साहब की ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द इमरान साहब के ऊपर ये केस खत्म हो जाए और ये तमाम तर जो उनकी सजा हुई है उस सजा को मुअक्कद कर दिया जाए। 5 साल की नायली, 3 साल कैद की सजा, और इसके अलावा जो 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, हो सकता है इमरान साहब को ऊपर जितनी भी ये सजा है उसको मुअक्कद कर दिया जाए, लेकिन ये काम करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, और खबर कुछ हुआ है इमरान साहब के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि वकील कत्ल केस में इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो उसको रोक दिया गया है, और कहा है कि आप वकील कत्ल केस में इमरान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इमरान साहब के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, और जो इमरान साहब के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया कि जब तक ये गर्मियां हैं तब तक इस केस को ना सुना जाए, इस केस को सुनने के लिए कोई बाद में कोई नया टाइम दिया जाए। अभी तक लिए इतना है, जो ही मजीद अपडेट्स आएंगी, जो ही मजीद खबरें आएंगी, तब तक लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।